मरकुस रचित सुसमाचार सोलहवां अध्याय। जब सप्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मलें। और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो? वह जी उठा है, यहां नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गईं, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि डरती थीं। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने सात दुष्ट आत्माएं निकाली थीं, दिखाई दिया। उसने जाकर उसके साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया, और उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति न की। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से दो को, जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर औरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति न की। पीछे वह उन ग्यारहों को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन।